बस देख लिया लास्ट बार, इधर आओ लग रहे, देखो इसको मम्मी को कैसे रोते यार बच्चों की तरह, गाय तो थी एक अभी शाम को नहीं कैसे रो रहे बच्चों पापा पापा इधर देखो जा रहे हो, बोलो पापा हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम शालू है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त चकाचक हूँ। आप सभी भी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो, अभी मैं आ गई हूँ अपने भाई के पास कोटखाई। सो, मैं पिछले कल यहाँ पर आई हूँ और उससे पहले इतना घर पे इतना सब कुछ हो गया, मतलब एकदम से ये वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। तो मम्मी इतना रो रहे थे जिसकी वजह से। सो, हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे गांव में एक अंकल है जिसके थ्रू हमने 2 साल पहले व्यापारी से गाय ली थी। तो व्यापारी गाय लेके आया था 2 दिन बाद, मतलब 2 साल पहले हमने वो गाय 25,000 की हमने वो गाय खरीदी थी हैं। और जब वो गाय हमारे घर आई और हमने जब वो गाय देखी, हमारे तो सबके होश ही उड़ गए। सो, मैंने क्या मतलब मम्मी ने भी अपनी पूरी जीवन काल में इतनी बड़ी गाय देखी थी हमने पहली बार। उससे पहले हमारे पास वो जो होती है देसी गाय होती है छोटी छोटी, वो हुआ करती थी हमारे पास। और एक हमारी जो बुढ़ी गाय है जो मतलब वो भी बहुत पुरानी गाय है, पर वो भी छोटी सी ही है। सो, वो गाय जब लेके आए हम तो इतनी बड़ी थी, मम्मी ने तो फर्स्ट टाइम देखी इतनी बड़ी गाय, मतलब हमने भी और मम्मी ने भी। सो, ऐसे ऐसे करके हमने उस गाय को रख लिया। फिर वो दूध भी बहुत अच्छा देती थी, मतलब सब कुछ अच्छा। सो, ऐसे सब कुछ मस्त चल रहा था, गाय दूध भी बहुत मस्त दे रही थी। फिर उसके कुछ महीने बाद उसके बछड़ा हुआ, तो थी मम्मी बछड़े की डेथ के बाद गाय का दूध निकालने जाती थी, तो गाय मतलब एकदम से मम्मी को ऐसे इग्नोर करने लग गई और अपनी जगह से ऐसे हिलने डुलना शुरू कर देती थी। मम्मी बोलती ये खड़ी टिकेंगी तभी तो दूध निकालूंगी, तो वैसे वैसे करके तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से उसको एक जगह टिकाना, उसके बाद दूध निकालना, फिर वो सब तो चलता रहा। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, उसने मारना भी शुरू कर दिया मम्मी को। मतलब पहले ऐसी थी, मतलब बहुत अच्छी मारती वगैरह भी कुछ नहीं थी, और फिर एकदम से जैसे बिना बछड़े के मम्मी दूध निकालने जाती करती थी, मम्मी को लात मार देती थी। तो वो कई बार तो मम्मी जैसे पूरा दूध निकाल के जैसे मतलब वो दूध वाला बर्तन उठाने लगती थी, वैसे ही गाय दूध के बर्तन में लात मार के पूरे दूध का जय श्री राम कर देती थी। सो, वैसे वैसे चलता रहा। तो मम्मी को उसने बहुत बार मारा, कभी यहाँ शोल्डर पे, कभी मुंह पे, कभी कहीं, तो मम्मी हमारे को बताती नहीं थी। एक बार मम्मी को उसने मारा था तो हमने देखा, मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे इसने मारना शुरू कर दिया। फिर हमने वो सब कुछ करते हैं कि शायद नज़र वगैरह का, तो वो सब कुछ भी किया, तो ऐसे ऐसे करके हो गया था सब कुछ। तो पापा ने बोला कि ये कहीं तेरी आँख ना फोड़ दे, कहीं तेरे दांत ना तोड़ दे, कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। तो सब कुछ भी मम्मी मतलब ऐसी अभी पिछले 6-7 महीने से ऐसी टॉर्चर झेल रही थी उसका। सो, अभी मेन दिक्कत क्या आ रही थी, इतनी बड़ी गाय है तो ऑब्वियसली वो घास भी ज़्यादा ही खाएंगी। तो वो गाय सुबह से लेकर शाम तक उसको बहुत ज़्यादा घास की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसका साइज़ ही इतना था बेचारे का, तो घास तो उसने खाना ही था। तो मम्मी होते हैं घर पे अकेले, मम्मी पापा तो घास बनाने वाला कोई नहीं होता है, तो मम्मी भी सोचती है कि टाइम पास के लिए गाय ठीक है, पर इतनी बड़ी गाय मम्मी मतलब उसकी टेक केयर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। मतलब अपने से खुद से तो मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी बड़ी गाय है, आप अभी देखोगे आगे कि उसकी एक मतलब मेरी मम्मी तो है अभी मतलब 50 क्रॉस करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था उसकी टेक केयर करना। इसलिए हमने सोचा कि इस गाय को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बदले दूसरी गाय ले आएंगे छोटी सी। मम्मी ने सुबह वैसे ही उन अंकल को कॉल की जिन्होंने वो गाय दिलाई थी कि ऐसे ऐसे हमने ये गाय नहीं रखनी है, गुस्से गुस्से में मम्मी ने बोल दिया कि हमने ये गाय नहीं रखनी है, ऐसे वैसे आप ले आओ उनको, हम ये गाय देना चाहते हैं। तो मम्मी ने ऐसे गुस्से गुस्से में बोल दिया, तो उन्होंने अंकल ने बोला कि ठीक है हम 5-6 दिन बाद आ जाएंगे। तो हम जब भी आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, मैं और मम्मी घास लेने के लिए गए थे,
तो हम घास लेने के लिए गए, और मतलब कि 9 बजे मम्मी ने फ़ोन किया, 10 बजे हम घास लेने गए, और 10:30 बजे उन अंकल का फ़ोन भी आ गया कि वो व्यापारी आज ही आ रहे हैं। जैसे ही मतलब पापा का फ़ोन आया कि तुम लोग का, हमने बोला मैं और मम्मी बगीचे में घास बना रहे, तो पापा ने बोला जल्दी से घर आ जाओ, तो वो व्यापारी आ गया है गाय लेने के लिए। तो जैसे ही मैंने मम्मी को बताया कि वो अंकल जो आए हैं वो व्यापारी को लेके आए हैं साथ गाय ले जाने के लिए, तो मम्मी ने वहीं पे टप टप मम्मी वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मम्मी ने, मम्मी बोली इतनी जल्दी कैसे आ गए, उन्होंने तो बोला 4-5 दिन बाद आए, और हमने घास भी उसके लिए इतना बना दिया था। मम्मी ऐसी खजल लोग परेशान हो गए, फिर मम्मी मतलब वहीं से ही मम्मी ऐसे हो गया कि मतलब टांगे मम्मी कैसे काम होना शुरू हो गई, कैसे या कैसे दे दूंगा, या गुस्से गुस्से में तो बोल दिया है कि हाँ ले जाओ ले जाओ, तो अभी कैसे देनी है। तो मम्मी ऐसे ऐसे परेशान हो गए बहुत, और उसके बाद तो मम्मी कंटिन्यूसली रो रही थी। मैं थोड़ा बहुत छूट गया है आप देख लेना, बाकी इतना बोल दिया है माता चुप हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरू क्या करने, इतनी मतलब पिछले कितने 4-5 मिनट से बोल रही हूँ। तो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मम्मी की स्पीड देखो, अभी भी मम्मी रोते रोते ही जा रहे हैं। सो ये रहे व्यापारी जो अपनी गाड़ी लेके आए हैं, और मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल किया है अभी, और मम्मी अभी गाय को खिला रही है, मतलब जो होता है गाय की फीड वगैरह सब कुछ लास्ट टाइम पे जा रही मम्मी। ऐसे मम्मी ने तो रोने वाली शक्ल पर, ऐसे तो होएंगे ना आप, तब तो इसको दे ही नहीं पाएंगे कभी। रहने दो बस, मत करो, पापा बोलो मम्मी को समझाओ, ऐसे रो रहे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्या करना, अब देनी नहीं है, वो इतनी बुरी गाय थी आपके पास जाती थी कहीं, बस मत करो, इधर आओ अरे, तब ज्यादा ही आप फिर ऐसे लगेगा कैसे दूं। इधर आओ, बस देख लिया लास्ट बार, इधर आओ। ओए लग रहे, देखो इसको मम्मी को, बस करो इधर आओ, अरे रोके क्या, बस करो मम्मी मत रो यार, क्या है देख ले तू, कोई नहीं खांदी अभी, उदा का कुत्ता आ नहीं रहा ना, सी जाके देखी नंद करना ही है बस। चलो अभी चलते पर गोपी दा यार, जा मम्मी के लिए नहीं गाय देख क्या। चलो कौन सा महीना है उसके लगावा, हाँ तीसरे चौथा होगा तब तक आप उसकी आदत पड़ जाएगी ना, आपको भी और उसको भी, बेचारी जैसी अकेली रहेगी। तो अभी हम जा रहे हैं गांव में, एक आंटी है उनके पास गाय देखने के लिए, क्योंकि मम्मी नहीं रहती गाय के बिना, मम्मी को बहुत ऐसी इमोशनल सी अटैचमेंट है गाय के साथ, मम्मी को सुबह से शाम तक बस टाइम पास करना होता है गाय के साथ, और मम्मी का अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाता है गाय के साथ। तो अभी हम गाँव में जा रहे हैं, एक आंटी के पास है गाय, शायद वो 3 और 4 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो देखते हैं अगर अच्छी होगी तो शाम तक मम्मी ये लेने गाय लेके आएंगे, नहीं तो मम्मी बेचारी सुबह से अचानक सी मम्मी की गाय चली, और मम्मी बेचारी रोते रोते रहे, अभी भी रो ही रहे हैं। कैसे रोते यार, बच्चों की तरह गाय तो थी एक, अभी शाम को नहीं ले आए।
कैसे रो रहे बच्चों? सुनो मेरी बात है, अभी जैसे गाय नहीं है ना धोने के लिए, तो अंशुल के पास आप भी जा सकते हो, आप और पापा हैं। मैं ये लाली को तो मैं भी देख लूंगी, ये तो बेचारी बुढ़ी गाय है। बोलो जाए, गाड़ी करते हुए चल जाओ आप और पापा ऊपर। सच बोल रही हूँ, एक हफ्ते के लिए है पक्का। मैं करती हूँ गाड़ी, सच बोल रही हूँ। इधर देखो, आपकी कसम वीडियो के लिए नहीं, आप सच बोल रही, जाओ आप एक हफ्ते के लिए ऊपर, आपका थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा गाय का बुरा भी हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी करते, मैं पापा पूछ, सच में गाड़ी करते हैं, फिर चाय जितने की भी होंगी। आप पापा चल जाओ एक हफ्ते के लिए ऊपर, फिर अगले हफ्ते फिर मैं चल जाऊँगी। इसको तो मैं देख लूँगी, बुढ़ी गाय का बेचारी, इसको क्या, इसको तो सुबह शाम टाइम दो तीन बार घास बनाना पड़ेगा, है ना। पक्का भी पूछती हूँ पापा को। अभी तो हम जा रहे हैं गाय देखने, मम्मी के लिए नई गाय। ऐसी तो ठीक लग रही है, वहां देखो ना, नहीं मारती। नहीं मारती देखो। उसने खा रही है सुबह से, खा ले घास, खा ले, खा नहीं रही है बेचारी सुबह से, उसकी याद में। पापा सुनो, पापा आप और मम्मी जा रहे हैं ऊपर अंशु के पास? नहीं। क्यों? इधर तो देखो, जाओ ना पापा, जा रहे पापा थोड़े दिन के लिए, चल जाओ वे, हैं घूम फिर क्या जाना। वही तो मैं बोल रही हूँ, सुनते ही नहीं है, हैं है मेरे पापा जा रहे हैं, गाड़ी करते, गाड़ी में चल जाओ, है पापा, पापा पापा इधर देखो, जा रहे हो, बोलो पापा, पापा अरे इधर तो देखो, आंखें देखो, अरे देखो तो सही एक बार। आपसे तो मैं कभी बात करूंगी, मैंने बोल दिया, सच बोल रही कब कट्टी हुई आपसे मैं कट्टी। और हाँ, मैं आपको सुबह बताना भूल गई, जिस गाय को देखने हम गए थे मैं और मम्मी सुबह, तो वो भाभी बता रही थी कि उसका सेकंड मंथ चल रहा है, पर जब हम गए वहाँ पर आंटी के पास गांव में, तो उन्होंने बोला कि अभी इसका दूसरा मंथ चल रहा है, वो भी कंफर्म नहीं है, सो अभी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो मम्मी ने बोला कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी को तो आपको पता है गाय की आदत है, मम्मी सारा टाइम पास मम्मी का गाय के साथ ही हो जाता है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, इतनी लेट तो हम वेट नहीं कर सकते, फिर हम घर वापस आ गए। सो फिर मैंने मम्मी ने मासी को कॉल की, तो मासी ने बोला कि मैं शाम तक आपको कंफर्म करके बता दूंगी अगर कहीं पर गाय मिलती है दूध देने वाली। तो मम्मी के लिए तो ऐसा होता है कि गाय मिल जाए फटाफट कहीं से भी। तो मम्मी, जैसे पापा भी है, तो पापा को दवाई भी पापा दूध के साथ खाते हैं सुबह भी शाम को भी। सो हमारे तो मम्मी बोलती है कि गाय रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी तो खरीद के भी बहुत मुश्किल हो जाती है, और जैसे हम बगीचों में गोबर डालते हैं तो वो भी बहुत महंगा मिलता है यहाँ पर, इसलिए अपनी गाय हो तो गोबर भी हो जाता है, दूध भी हो जाता है, घी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो देखते हैं शाम तक क्या होता है। सो अभी मैं जा रही हूँ कूट कर, बस आ गई है। सो इसका भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी। सो अभी बस के लिए जा रही हूँ, तो आपको ये वाला ब्लॉग, पिछला ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं।